ज्वालामुखी में अब तेज रफ्तारी पर रोक लगेगी। ज्वालामुखी पुलिस ने इस सब से निपटने के लिए स्मार्ट तरीका अपना लिया है। अब ITMS के जरिए नवरात्रों से पहले स्मार्ट चालान शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए ज्वालाजी कॉलेज के आसपास ITMS कैमरा फिट कर दिए गए। अब पुलिस ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट आदि के ITMS के जरिए चालान काटेगी और चालान चालक को ऑनलाइन या घर में पहुँचाया जाएगा। DSP ज्वालामुखी चंद्रपाल सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि अब ज्वालामुखी पुलिस स्मार्ट तरीके से चालान करेगी और नवरात्रों से पहले सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अन्य को भी जागरूक करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ITMS जो है हमारा, ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके हमारे ये कॉलेज के पास इसको इंस्टॉल किया गया है, कैमराज लगे हुए हैं और ITMS के तहत जो भी हमारा ओवर स्पीड से जो ड्राइवर्स चलते हैं, व्हीकल दौड़ाते हैं वहाँ पे, तो जो NH की जो स्पीड लिमिट है, जब वो उससे ज़्यादा, जो परमिसिबल लिमिट नहीं है उससे ज़्यादा जब वो चलेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली चलान हो जाएगा और उनको चलान इशू कर दिया जाएगा। उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के और भी चलान हो जाते हैं, जो बिना हेलमेट के चले हुए हैं उनका भी चलान हो जाएगा, जो बिना सीट बेल्ट के चले हैं उनका भी चलान हो जाएगा, या कोई मोबाइल सुनते हुए वो चल रहा है तो उसका भी चलान हो जाता है, क्योंकि जो उसमें बड़े हाई क्वालिटी के कैमराज लगे होते हैं तो वो नंबर प्लेट को भी जूम करते हैं, वो आदमी के चेहरे को भी जूम करते हैं और वो स्पीड को भी रीड करते हैं। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली हमारा चलान हो जाएगा। और लोगों को इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमने पहले भी थोड़ा लोगों को अवेयर करने के लिए अपने लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं कि कैमराज लगे हैं, तो फिर उसकी जो चालान है वो उनको बाद में, अगर कई लोग बोलते हैं कि जी हमारा चालान हो गया, तो चालान होंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चालान कट के उनको चला जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।